हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिज़ाइनर लॉन्ग गाउन बनाना सीखेंगे। उसके लिए हमने टू कलर की फैब्रिक ली है, एक प्रिंटेड फैब्रिक है, दूसरी नेट फैब्रिक है। तो सबसे पहले अब हमें टॉप पार्ट कट करना है। ये गाउन हम दो पार्ट्स में कट करेंगे, एक टॉप पार्ट में और फिर नीचे हम स्कर्ट पार्ट में कट करेंगे। तो टॉप पार्ट कट करने के लिए मैंने कपड़े को फुल लेयर में फोल्ड किया है। टॉप पार्ट की कटिंग हमें सेम ही करनी है। वैसे भी मैं अधिकतर हर वीडियो में टॉप पार्ट की कटिंग करना आपको बता चुकी हूँ, फिर भी मैं फिर से बता रही हूँ। यहाँ पे जो तीरा है वो हम 7 इंच लेंगे, जो भी तीरा होता है उसका हाफ लेना होता है। 14 इंच हमारा तीरा है तो हमने एक मार्क 7 इंच पर किया है। इसके बाद आर्म होल्स की लेंथ भी हमें 7 इंच लेनी है, 7 इंच आर्म होल्स की लेंथ है। और इसके बाद हम इस लाइन को ऐसे सीधा कर लेंगे। यहाँ पे हमने 7 इंच पे एक मार्क किया है और इस लाइन को हम ऐसे खींच लेंगे। फ्रेंड्स, इसमें लाइन आपको कम दिखाई दे रही होगी तो प्लीज़ आप समझ जाएं, वो पता नहीं कलर की वजह से लाइन दिख ही नहीं रही। तो यहाँ पे हमें लेंथ लेनी है। जो हम टॉप पार्ट है वो 16 इंच का सिल के तैयार करेंगे तो हमने 17 इंचेस की लेंथ ली है। इसके बाद यहाँ पे हमें चौड़ाई का 1/4 लेना है। ध्यान रखें कि चौड़ाई हमारी 36 इंच है तो उसका 1/4 हुआ 9 इंच, और 9 इंच में हमें 1/2 इंच और ऐड करना है लूजिंग के लिए। तो हमने यहाँ पे 9.5 इंच पे एक मार्क किया है, 1 इंच हमारा मार्जिन के लिए बचा है। यदि आपका अधिक बच रहा है, 1.5 इंच बच रहा है, 1.5 इंच बच रहा है तो वो भी आप रख सकती हैं। और यहाँ पे भी हमें जो हमारी कमर है, वेस्ट है, उसका भी हमें 1/4 लेना है। वैसे वेस्ट 30 इंच है, 30 इंच है तो उसका 1/4 हुआ 7.5 इंच, और यहाँ पे भी हमें 1/2 इंच लूजिंग के लिए रखना है तो वो हम 8 इंच पे एक मार्क करेंगे। यहाँ पे लूजिंग के लिए 1/4 हुआ 8 इंच पे हमें मार्क करना है, और 1 इंच हम यहाँ पे चुन्नटों के लिए ऐड करेंगे। यहाँ हम फ्रंट और बैक में चुन्नटें भरेंगे तो यहाँ हमने 1 इंच चुन्नटों के लिए ऐड किया है, 1 इंच हमारा यहाँ पे भी मार्जिन के लिए बचा है। और इस लाइन को हम ऐसे सीधा खींच देंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, टॉप पार्ट की कटिंग नॉर्मल ही करनी है और मेरी और वीडियो में आप देख सकती हैं। यहाँ हम आर्म होल्स की गोलाई कर रहे हैं, यहाँ पर हमने 1.5 इंच पे मार्क किया है और ऐसे हमें गोलाई करनी है। और इसके बाद हमें फ्रंट आर्म होल्स की गोलाई के लिए जो मार्क हमने 3.5 इंच पे मार्क किया तो वहाँ पे 1/2 इंच अंदर की तरफ करेंगे, 1/2 इंच हमें यहाँ से करना है। और इस लाइन को हमें ऐसे मिलाना है और इसकी हमें ऐसे गोलाई कर लेनी है। ये हमारे फ्रंट आर्म होल्स हैं। हम गले की मार्किंग कर रहे हैं। गले की चौड़ाई हमें 2.5 इंच लेनी है और लेंथ मैं फ्रंट की 7 इंच ले रही हूँ। और ऐसे हमें एक बॉक्स बना लेना है और यहाँ पे हमें 1 इंच पे गोलाई करनी है। फ्रेंड्स, सिर्फ टॉप पार्ट में ही थोड़ी दिक्कत आएगी मार्किंग की, वैसे सब ठीक है। और फ्रंट बैक गले की गोलाई के लिए हमने एक मार्क 4 इंच पे किया है और यहाँ पे भी हमें 1 इंच पे इसकी गोलाई करनी है। और यहाँ हम आर्म होल्स की तरफ 1/2 इंच डाउन करेंगे और गले की तरफ इसे ऐसे तिरछा कर देंगे। गले से आर्म होल्स की तरफ 1/2 इंच डाउन करते हैं। अब हम आपको इसकी कटिंग करना बताएंगे कि किस तरीके से हमें कटिंग करनी है। पहले हम टॉप पार्ट नीचे से कट करेंगे, इस कपड़े को हमें अलग करना है। इसके बाद जो हमने शोल्डर की तरफ 1/2 इंच डाउन किया था यहाँ से कट करेंगे, और हमें अब बैक आर्म होल्स की कटिंग करनी है और इसे हमें साइड से कट करना है। इसके बाद हम बैक गले की कटिंग करेंगे। दोनों पर्दे साथ में कट कर रहे हैं बैक गले के। अब हम एक पर्दे को अलग करेंगे, यहाँ पे हमें एक पर्दे को अलग करना है। इसके बाद हमें फ्रंट गले की कटिंग करनी है और फ्रंट आर्म होल्स की हमें कटिंग करनी है। ये हमारा फ्रंट पर्दा हो गया। देखिए, ये जो टॉप पार्ट है इसकी कटिंग हो गई है। ये हमारा बैक पर्दा है और ये हमारा फ्रंट पर्दा है। अब इसके बाद हम जो स्कर्ट पार्ट है, घेर है, वो हम आपको कट करना बताएंगे। तो हमें वो कपड़ा लेना है,
कपड़े को हमें एक बार फोल्ड करना है, जैसे हम नॉर्मली सूट का कपड़ा फोल्ड करते हैं ऐसे हमें इसे फोल्ड करना है। इसके बाद हमें दोबारा से इसे फोल्ड करना है। दोबारा से हम इसे इतना फोल्ड करेंगे जितनी हमें इसकी लेंथ चाहिए। तो मैंने इसे कपड़े को फुल लेयर में फोल्ड कर लिया है और इसकी लेंथ मैंने ली है 39 इंच। जो मैंने इसकी लेंथ ली है वो मैंने 39 इंच ली है और जो हमारे स्कल्ट पार्ट होगा वो हमारा 38 इंच का सिल्क तैयार होगा। तो यहाँ पे मैंने 39 इंच लेंथ ली है। इसके बाद जो हम वेस्ट पर मार्क करेंगे, जैसे कि हमारी फिक्स वेस्ट है 8 इंच, तो यहाँ पे हमें 8 इंच पे मार्क करना है और यहाँ पे हम 1.5 इंच ऐड करेंगे सिलाई के लिए। हम बाद में टॉप पार्ट जोड़ने के बाद में साइड से कट कर लेंगे। अभी हमें 1.5 इंच ही ऐड करना है, उसमें हमने 1 इंच ऐड किया था। इसके बाद इसको हम लास्ट तक तिरछा करेंगे और इधर से जो इसकी लेंथ है वो 39 इंच है स्कर्ट पार्ट की, और ऐसे ही हमें यहाँ से भी 39 इंच पे ही मार्क करना है, क्योंकि जो ये तिरछी लाइन है इससे लेंथ बढ़ जाती है। तो इधर की साइड में 39 इंच है तो यहाँ पे भी हमें 39 इंच पे मार्क करना है, 39 इंच पे मार्क करना है और ऐसे हमें गोलाई कर लेनी है, क्योंकि उधर की साइड भी 39 है तो इधर की साइड भी हमें 39 इंच करना है। ऐसे कटिंग नहीं करेंगे तो इधर के कोने हमारे जो ये गाउन के हैं अलग से ही नीचे की तरफ होंगे। और हमने इसकी कटिंग भी कर ली है, साइड से कट किया था और हमें इसे ऊपर से भी कट करना है। ऊपर से हमारी जो पार्ट्स हैं ये बंद हैं तो यहाँ से भी हमने इसे कट कर लिया है, और जो ये घेर है इसकी भी कटिंग हमने कर ली है। ये हमारे दो पर्दे हैं घेर के। अब हमें नेट फैब्रिक लेनी है और नेट फैब्रिक में से हम लॉन्ग जैकेट कट करेंगे। तो अब हमें नेट वाला कपड़ा लेना है और इसे हमें एक बार फोल्ड करके रखना है। जो हमारा ये नेट वाला कपड़ा है इसे हमने ऐसे एक बार फोल्ड किया है, सिर्फ हमें इसमें से फ्रंट पर्दे कट करने हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे एक बार फोल्ड कर लिया है और इसकी लेंथ हमें फुल लेनी है। इसकी लेंथ ले रही हूँ मैं 55 इंच। जो ये गाउन है ये हमारा 54 इंच का सिल के तैयार होगा, तो हमें सिर्फ इसमें 1 इंच ऐड करना है। तो मैंने कपड़े को ऐसे एक बार फोल्ड किया है और हमें फ्रंट पर्दा लेना है जो हमने टॉप पार्ट कट किया था, और इस फ्रंट पर्दे को हमें 1 इंच के करीब बाहर की तरफ रखना है। अब हमें ये टॉप पार्ट वाला पर्दा लेना है और इसे हमें 1 इंच बाहर की तरफ निकाल के रखना है, क्योंकि यहाँ पे हम डोरी लगाएंगे तो हम डिज़ाइन के लिए 1 इंच से कम ले रहे हैं। और वीडियो में आप देख सकते हैं हमने इस पर्दे को ऐसे रखा है और आर्म होल्स पे हमने मार्किंग करी है। अब हमें साइड से इसे मार्क करना है। जो हमारा ये टॉप वाला पर्दा है इसमें हम चुन्नटें भरेंगे, तो हमने चुन्नटों के लिए 1 इंच ऐड किया था टॉप पार्ट में, और नेट वाली फैब्रिक में हमें चुन्नटें नहीं भरनी है। तो यहाँ पे हम कमर की तरफ से वेस्ट की तरफ से 1 इंच कम लेंगे, चौड़ाई में यहाँ पे भी हमें 1 इंच कम लेनी है, वो भी हम कमर की तरफ से 1 इंच कम लेना है हमें सिर्फ, और हमने ऐसे इस पर मार्क कर लिया है। इसके बाद जो हमारा ये टॉप पार्ट होगा इसकी लेंथ हमने 17 इंच ली थी और यहाँ हमें इसकी लेंथ 16 इंच ही लेनी है, क्योंकि इसे हमें बीच में से कट नहीं करना है। मैं सबसे पहले आपको इसकी टॉप पार्ट है इसकी मार्किंग करना बता रही हूँ, क्योंकि इस कपड़े की लेंथ बहुत अधिक है तो हमारा जो कैमरा पूरा कवर नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हम आपको टॉप पार्ट की मार्किंग कर रहे हैं। ये टॉप पार्ट की लेंथ हमने 16 इंच ली है। इसके बाद हमने इसे साइड से भी 1 इंच कम लिया है, सिर्फ हमने कमर की तरफ 1 इंच कम लिया है, और यहाँ पे हमें गले की गोलाई करनी है। जैसे पर्दा रखा हुआ है सेम ऐसे ही हमें गले की गोलाई करनी है, और आर्म होल्स की तरफ भी हम इसे डाउन करेंगे गले से। अब हमें गले की मार्किंग करनी है। जो हमने मार्क किया था उस लाइन पे हमें इंची टेप को रखना है और 1 इंच हमें गले की चौड़ाई अधिक लेनी है।
तो हमें लाइन पर इंची टेप को रखते हुए चलना है और 1-1 इंच की हमें ऐसे गोलाई करनी है। नेट फैब्रिक में से हमें गले की गोलाई 1 इंच अधिक रखनी है। तो हमने यहाँ पे ये मार्क किया है, अब हम गले की साइड से इसे कट करेंगे। इसके बाद शोल्डर की तरफ से हमें इसे कट करना है। अब हम आर्म होल्स की तरफ से कट करेंगे। इसके बाद हमें साइड से कट करना है और यहाँ से हम इसे कट नहीं करेंगे। ये हमें बीच में से कट नहीं करना है, सिर्फ हम इसे साइड से कट करेंगे। साइड से हमें इसे पूरे को ही कट करना है। यहाँ से हम इसे लास्ट तक कट करेंगे और जो ये पर्दा है इसे हमने लास्ट तक कट किया है। इसके बाद जो हमारे टॉप वाला पर्दा है इसे हम ऊपर की तरफ करेंगे। हमें इसकी सिर्फ इतनी ही मार्किंग करनी थी, इसे हमें ऐसे ऊपर की तरफ करना है। अब हम जो स्कर्ट पार्ट है वो कट करेंगे। तो हमारा कपड़ा ऐसे ही फोल्ड रखा हुआ है और अब हमें ये स्कर्ट वाले पर्दे को इसके ऊपर ऐसे रखना है और जो हमारी ये कमर वाली लाइन है इस पर हमें इसे मिलाना है और यहाँ पे भी हम इसे ऊपर की तरफ से 1 इंच की गैपिंग करेंगे। 1 इंच हमें इस पर्दे को भी बाहर की तरफ रखना है ऐसे यहाँ पे, जैसे हमने टॉप वाले पर्दे को रखा था। और इधर की साइड से हम इसे मिलाना, तिरछी साइड से हमें इस कपड़े को ऐसे मिलाना है। और जो हमारी ये सीधी लाइन है इधर की साइड में, इधर की साइड में हमें नहीं मिलाना है, सिर्फ हमें ये तिरछी लाइन ही मिलानी है। इधर की साइड से ये इसकी चौड़ाई जितनी चाहे रह सकती है, सिर्फ हमें इसे ऐसे रखना है। आप वीडियो में देख सकते हैं और हमें इसे कट कर लेना है। वेस्ट की तरफ से हमने इसे रखा है और सिर्फ हमने इसे जो तिरछी साइड है इसे हमें ऐसे मिलाया है। इधर की साइड में इसकी गैपिंग बहुत अधिक हो जाती है, 5 से 6 इंच हो जाती है यहाँ से, और ऊपर से 1 इंच ही है। और ये हमारा जो कपड़ा है ये 2 पर्दे कट हो गए हैं, इसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है। और आप इसकी बाजू भी कट कर लें यदि आप फुल बाजू पहनना चाहती हैं। मैं आपको इसे सिलना बताती हूँ। सबसे पहले हमें टॉप वाला पर्दा लेना है। टॉप वाला पर्दा लेकर हमें इसका गला बनाना है। गला बनाना मैं आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने चैनल पे पहले ही वीडियो अपलोड कर रखी है गले की, तो वहाँ आप देख लें, ताकि हमारी ये वीडियो बड़ी ना बने इसलिए हमने गले की वीडियो अलग से अपलोड कर रखी है। अब हमने पर्दे को फोल्ड किया है और वन साइड से एक मार्क करेंगे 3.5 इंच पर, 3.5 इंच पर हमें एक मार्क करना है। और शोल्डर की तरफ से हमें 10.5 इंच पे मार्क करना है। यदि आपकी चौड़ाई अधिक है तो आप 11.5 इंच पे भी मार्क कर सकती हैं। मैंने यहाँ पे 10.5 इंच पे एक मार्क किया है और यहाँ पे हम एक लाइन खींच लेंगे। यहाँ पे हमें लाइन खींचनी है। ये हमारी एक चुन्नट है और ऐसे ही आप दूसरी साइड में भी सेम ऐसे ही निशान लगा लें। यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है और सेम ऐसे ही आप दूसरी तरफ भी निशान लगा लें। यहाँ पे भी आपको ऐसे ही निशान लगाना है और हमें चुन्नट भरनी है। अब कपड़े को अब फोल्ड करना है और यहाँ से हमें 1/2 इंच पे एक मार्क करना है और लास्ट में हम इसे बिल्कुल तिरछा कर देंगे। लास्ट तक ऐसे लाइन खींच के आप इसे तिरछा कर लें। अब हम सिलाई लगाएंगे, ऐसे हमें सिलाई लगानी है। इसके बाद ऐसे ही आप दूसरी साइड में भी चुन्नट भर लें। तो यहाँ पे हमने चुन्नट भी भर ली है। इसके बाद हमें टॉप पार्ट और स्कर्ट पार्ट को ऐसे रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। दोनों पर्दे हमारे उल्टे ही हैं और इनको हमें ऐसे रखते हुए इन पर यहाँ पे सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाते टाइम एक बात हमेशा ध्यान में रखें, सिलाई हमारी एक ही सीध में होनी चाहिए। तो ये सिलाई हमने लगा ली है। इसके बाद हमें इस पर्दे को सीधा करना है और सिलाई वाले कपड़े को हमें ऐसे नीचे की तरफ करते हुए यहाँ पे हमें एक सिलाई लगानी है। ये सिलाई भी हमारी एक ही सीध में होनी चाहिए। तो ऐसे ही आप पूरे में ही इसमें सिलाई लगा लें।
यहाँ पे भी मैंने सिलाई लगा ली है। और जो हमारा ये फ्रंट का पर्दा है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। और ऐसे ही आप दूसरे पर्दे को भी तैयार कर लें। ये फ्रंट पर्दा मैंने आपको तैयार करना बताया था, बैक पर्दे को आप तैयार कर लें। अब हम आपको नेट वाला पर्दा तैयार करना बताएंगे। तो हमें नेट वाले पर्दे को लेना है, जो हमारे गले का सेंटर है यहाँ से हमने कट किया था। यहाँ पे हमें लास्ट तक एक पट्टी लगानी है, लास्ट तक लगाएंगे वो पट्टी। और डोरी भी लगानी है हमें, आप डोरी भी तैयार कर लें। और आपको एक पट्टी लेनी है और इसकी जो चौड़ाई है मैंने 1 इंच के करीब ली है। इसकी चौड़ाई मैंने 1 इंच ली है और इसकी लेंथ मैंने लास्ट तक जितनी है उतनी ली है। और हमें कुछ ऐसी डोरी बना के ये कट कर लेनी है। इनकी लेंथ मैंने 2.5 इंच ली है, ये डोरी तैयार की है मैंने। और ये मैंने ऊपर से 1 इंच कपड़े को छोड़ा है और फिर मैंने ये टॉप पार्ट तक मैंने ये डोरी लगा ली है 1-1 इंच की गैपिंग में। और मैंने इन्हें पिनअप कर लिया है और इसके ऊपर हमें ये पट्टी रखनी है और सिलाई लगानी है। ध्यान रखें जो हम ये डोरी लगा रहे हैं ये सिर्फ हम टॉप पार्ट तक लगा रहे हैं। और फिर जो हमारा ये पर्दा है जैकेट वाला, इसे हमने उल्टा रखा हुआ है और फिर हमने डोरी रखी है और फिर हमने पट्टी को भी उल्टा रखा हुआ है। आप इस बात का ध्यान दें और ऐसे ये लास्ट तक सिलाई लगा लें। ये मैंने लास्ट तक ये सिलाई लगा ली है पट्टी को रखते हुए। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, जैकेट वाले पर्दे को मैंने उल्टा रखा हुआ था और पट्टी को भी मैंने उल्टा रखा हुआ था। अब हमें इसे सीधी साइड में फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। ऐसे ये सिलाई भी हम लास्ट तक लगाएंगे। तो यहाँ पे ये पट्टी मैंने लगा ली है और ये लास्ट तक मैंने सिलाई भी लगाई है इसमें। और ऐसे ही आप दूसरे पर्दे को भी तैयार कर लें, जैसे हमने एक पर्दे को आपको तैयार करना बताया था। यहाँ पे मैंने दूसरे पर्दे को भी तैयार कर लिया है। इसके बाद यहाँ आप डोरी लगा लें और आर्म होल्स और गले पर भी पट्टी लगा लें। आर्म होल्स और गले पर पट्टी मैं आपको लगाना नहीं बता रही हूँ, मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर रखी है। यहाँ मैंने आर्म होल्स और गले पर भी पट्टी लगा ली है, आप लगा लें। मेरी चैनल पर अलग से वीडियो अपलोड है, आप वहाँ से देख लें। इसके बाद अब हमें फ्रंट पर्दे को लेना है। इस पर्दे को लेना है, इस पर्दे को हमें ऐसे सीधा रखना है और इसके ऊपर हमें नेट वाले पर्दे को सीधा रखना है। यहाँ पे हम इसे ऐसे इसके ऊपर सीधा रखेंगे। सीधा रखने के बाद डोरी को हमें उतना ही फिक्स करना है ताकि जो हमारे पर्दा है लास्ट तक फिक्स आ सके यहाँ। और आप पिनअप भी कर सकती हैं। इसके बाद अब हमें बैक पर्दे को लेना है। बैक पर्दे को हमें इसके ऊपर ऐसे उल्टा रखना है और जो हमारे शोल्डर हैं आप इन पे सिलाई लगा लें। इसके बाद सिंपल सिलाई है जैसे हर सूटों में होती है, यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। और यदि आप बाजू का पहनना चाहती हैं तो इसमें आप बाजू सिल लें या फिर आर्म होल्स भी आप बना सकती हैं। और इसके बाद आप इसमें साइड में सिलाई लगा लें। और ये साइड में सिलाई हम लास्ट तक लगाएंगे, सिर्फ हम नीचे की तरफ 1 इंच छोड़ देंगे क्योंकि हमारे डबल पर्दे हैं तो फोल्ड करने में परेशानी ना हो। तो हमने ऐसे लास्ट तक इसमें सिलाई लगाई है और नीचे की तरफ हमने इसमें 1 इंच छोड़ा है ताकि हमारे जो ये दो पर्दे हैं अच्छे से फोल्ड हो जाएं। यहाँ पे मैंने नीचे की तरफ इसमें 1 इंच की सिलाई छोड़ दी थी। चाहें तो आप फ्रंट पर्दे साथ में भी फोल्ड कर सकती है या आप अलग अलग भी फोल्ड कर लें, इसलिए मैंने लास्ट में 1 इंच छोड़ दिया था। और जो हमारा गाउन है ये कम्प्लीट है। फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।